इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आजकल काफी दिया जाता है, हर एक प्रैक्टिशनर के द्वारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो है ना मसल में जाने के बाद ड्रग का फास्ट रिलीज होता है, पेशेंट को 15 से 20 मिनट में ही क्विक रिलीफ जनरेट हो जाता है और रिजल्ट आता है तो अपने आप मार्केटिंग बढ़ती है ना, अपने आप गांव के रूरल पेशेंट आना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं से आपको ना आपकी मार्केटिंग चलती है और माउथ पब्लिसिटी होती है। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बेसिकली आपकी मसल्स पे दिया जाता है और वहां पे क्लोटिंग ना हो वो ध्यान में रखने के लिए आपको ड्रग को प्रॉपर डिजोल्व करना होता है। अगर आपकी ड्रग प्रॉपर डिजोल्व हो जाती है तो उसके बाद पेशेंट को कभी गांठ है, ट्यूमर है, इस तरह के होने के चांसेस बहुत ही कम बन जाते हैं। अगर आपकी ड्रग ऑयली है, किसी दूसरे तरह की है, वाटर सोल्यूबल है, तो आपको जब डिजोल्व करते हैं ना वो चीज आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी होती है। क्यों? क्योंकि बाकी आपकी मार्केटिंग या आपकी प्रैक्टिस खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट को गांठ बन गई, पेशेंट को कुछ दूसरी तरह का वो जनरेट हो गया ना, तो पेशेंट बहुत परेशान हो जाएगा, तो वो आपकी मार्केटिंग खराब कर देगा ना कि यार उसकी प्रैक्टिस में दम नहीं, उससे इंजेक्शन लगवाने पे गांठ घुमड़े हो जाते हैं। और अगर गांठ हो गई तो पेशेंट को कितना सर्वाइव करना पड़ेगा, फाइनेंशियली भी होगा, हेल्थ के रिगार्डिंग परेशानी आएगी। तो आपको क्या करना है, अपनी ड्रग को प्रॉपर डिजोल्व करना है। डिजोल्व करने के बाद में आपकी जो प्रॉपर मसल्स है उसको चेक करना है, थोड़ा सा बाहर रिवर्स खींचना है। अगर ब्लड आ रहा है तो उस मसल में आपको इंजेक्शन डीप इंसर्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर उस मसल में आपने इंसर्ट कर दिया तो पेशेंट को पैरालिसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, रिवर्स खींच के एक बार देखना होता है। हाँ, कुछ एक्सपीरियंस लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत रेयर केस में चेक करते हैं, पेशेंट की कंडीशन पे चेक करते हैं, क्योंकि उनकी मसल्स की क्या कंडीशन है उनके एक्सपीरियंस से ही वो जज कर लेते हैं कि भी पेशेंट में किस तरह की मसल से कहाँ मसल्स डैमेज हो रही है, इसको ब्लड आएगा नहीं आएगा, रिवर्स ब्लड के चांसेस क्या है। तो आपको बस इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं तो बस ये टेक्निक ध्यान में रखनी है। आपको ना पेशेंट केयर के साथ में आपको ना प्रैक्टिस करनी है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।